दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्राग के बीचों बीच। इस चौक का नाम है वास्लाव्स के नामी अस्थी और इसमें म्यूज़ियम है। ये आप सामने देख रहे हैं वास्लाव्स के नामी अस्थी। वहाँ हम जाएंगे तो अभी आपको घोड़ा भी नज़र आएगा जिस पर वो बैठा, बड़ा फेमस होता है। लेकिन यहाँ जो असल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो असल यहाँ रुक के ये वीडियो बनाने का मकसद है, आप सब ने देखा होगा बचपन में बेशुमार, बल्कि इस्तेमाल किया होगा, मशहूरी भी चलती थी कि पहले बाटा फिर स्कूल। तो बाटा जो है, बाटा का ब्रांड ये आप देख रहे हैं, ये बाटा, ये आप सब इससे वाकिफ होंगे। कोई बंदा, कोई घर, कोई बच्चा, कोई बड़ा ऐसा नहीं होगा जिसने ये ब्रांड नाम यूज़ किया हो। तो ये असल में ये चेक बंदा था, चेक जिसने ये एक चेक को स्लोवाकिया में हिस्ट्री कुछ यूँ है कि एक गांव था मोचियों का, वो सारा गांव जो था मोची जूते बनाते थे। तो ये बाचा, मिस्टर बाचा ने जो कहा कि भाई मुझे ट्रेडिशनल मोची नहीं बनना, मुझे कुछ बड़ा काम करना है, तो इसने छोटा सा वो करके तो एक फैक्ट्री सी लगाई। 102, 210, 20, 50 बंदे होते हैं। तो ये 1850 की दहाई, यानी 2 सदियाँ पीछे की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसने फिर फैक्ट्री लगाई। तो इसका इतना ज़्यादा माल बनना शुरू हो गया कि इसने यूरोप के दूसरे शहरों में, मुल्कों में ट्रांसपोर्ट करना था, तो इसके गांव के लिए स्पेशल रेल पटरी बनाई गई सिर्फ बाटा की प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र इधर से उधर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो बाटा का ब्रांड था वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। और ये जो इनकी सबसे बड़ी दुनिया की दुकान है, ये बाटा की ये वाली दुकान है जो वास्लाव्स के नामी अस्थी चेक रिपब्लिक में है। और साथ ही चलते चलते आपको दिखाता हूँ, उसके सामने ये छोटे छोटे फुहारे लगे हुए हैं। बच्चों ने अपना गर्मी के 2 महीने से बड़ी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी का हल निकाल लिया, तो वालदैन आके बच्चों को इंजॉय करा रहे हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बाटा के अंदर, आपको बाटा की सैर कराते हैं कि बाटा क्या क्या बेचता। सिर्फ जूते नहीं बेचता, बहुत कुछ बेचता है। मेरी हाथ जोड़ लो, मैं ले देना तुम्हें। नहीं, बिठा हो जाती है, बिठा हो जाती है। तो मैं